पल पल में युग युग में हर क्षण। तो जिस शुभ घड़ी का इंतजार था वो आ गई, अवधि बिहारी अयोध्या में विराजमान हो गए। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यूं तो पूरा उत्सव ही अद्भुत है, लेकिन जब भक्तों के सामने रामलला की मूर्ति आई तो वो पल अद्भुत था, अलौकिक भी था। ऐसा रूप, ऐसा तेज, ऐसा आभा मंडल की आंखें हटती नहीं। 5 साल के बालक का कोमल मुस्कुराता चेहरा, सजीव आंखें, एक बालक की कोमलता, एक अवतार का देवत्व, रामलला की इस मूर्ति में सब कुछ है। राम विष्णु के अवतार, एक राजा के बेटे भी, उनमें देवत्व का प्रकाश है तो राजसी तेज भी है। लेकिन है वो 5 साल। इस प्रतिमा में हर बात का ध्यान रखा गया है, जैसे कि श्री राम का व्यक्तित्व और चरित्र है, वैसे ही मन को मोह लेने वाली रामलला की ये भव्य मूर्ति है। संपूर्ण लोकों में सुंदर कमल के समान नेत्र वाली करुणा की मूर्ति आप अपने टेलीविजन पर देख रहे हैं। ये मूर्ति जिसमें कि 5 किलो के आभूषण से सजा दिए गए हैं, और अब आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है। आप देखिए कि उनका मुकुट काफी अद्भुत है, और अद्भुत मुकुट के बारे में भी हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही उनके इन गहनों को भी आप देखिए, काफी आकर्षक गहने रामलला के। तो आइए अब आपको बताते हैं क्या है रामलला की मूर्ति की खासियत, ग्राफिक्स के माध्यम से भी देखिएगा। श्याम शिला से बनी है ये मूर्ति, मैसूर के अरुण योगी राज ने ये मूर्ति तैयार की है अपने हाथ। एक ही पत्थर से मूर्ति का निर्माण किया गया है। विग्रह 51 इंच ऊंचा है और 3 फीट चौड़ा है। 5 साल के बच्चे की मनमोहक झलक, मस्तक के पास सूर्य, स्वास्थ्य, ओम, गदा और चक्र। भगवान विष्णु के बने हैं 10 अवतार, हनुमान और गरुड़ देव भी मौजूद है। बाएं हाथ में धनुष बाण, आशीर्वाद का मुद्रा में दायां हाथ है। मूर्ति को पानी से नहीं, कोई नुकसान पानी से नहीं होगा, रोली चंदन से भी उसकी चमक प्रभावित नहीं होगी, ये खासियत है इस मूर्ति की। तो रामलला की ये खास मूर्ति जिस तरीके से बनाई गई है, वो आप सोच भी नहीं सकती कि कितनी बारीकी से इसमें काम किया गया है। रामलला की मूर्ति में हर बारीकी का ध्यान रखा गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मूर्ति में कहां क्या छवि उकेरी गई है। तो सबसे पहले स्वस्तिक, ओम, चक्र, गदा, इन तमाम चीजों की बात करेंगे। आप ध्यान से देखिए इस पूरी मूर्ति को, आपको एक एक चीज बताते हैं। स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, कमल, हनुमान, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, गरुण, ये सब अवतार हैं भगवान विष्णु के। ये सब अवतार हैं और ये सब अवतार इस दिव्य भव्य मूर्ति में उकेरे गए हैं। इतनी बारीकी से, इतनी कमाल की ये मूर्ति तैयार की है अरुण ने कि क्या ही बोले। इतनी मनमोहक मुस्कान, नेत्र ऐसे जैसे जीवंत हो। हर कोई इस प्यारी सी मूरत को देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, नजर ही नहीं हट सकती। इतना अद्भुत श्रृंगार किया गया है रामलला का। बिल्कुल, और जो तिलक आप देख रहे हैं, तो चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि क्या क्या खास है इसमें। स्वस्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे, फिर आप एक तरफ देखेंगे मत्स्य, कूर्म, बरा, नरसिंह, वामन, हनुमान और कमल के आकार की चीजें। इसके अलावा दूसरी तरफ परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, गरुड़, 10 अवतार। मूर्ति ऊंचाई अगर हम कहें तो 51 इंच और चौड़ाई 3 फीट की है। तो बड़ी ही दिव्य और भव्य मूर्ति। काले पत्थर का इस्तेमाल इस मूर्ति को बनाने में किया गया, और एक ही पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है। शिला ये कृष्ण की है सुमित, और रामलला को इसमें बनाया गया है। कृष्ण शिला के ये रामलला हैं, और खास बात यह है कि 10 अवतार भी इसमें हम देख सकते हैं विष्णु जी के।